खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ सूर सो पहचानिया जो लराय दीन के हेत पुरजा कट मरे कबहू न शाडे खेत बल्लभ प्रीतम अठवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी मुबारक चरण छो प्राप्त पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब जी विखे दीन दुनिया दे वाली ज्ञान दे सागर सर्वशक्तिमान रूहानियत दे मुजस्मे समुची मानवता दे रहबर अटल शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कद्दस हजूरी अंदर और चढ़दी कला टाइम टीवी दे जरिए सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन शब्द दी विचार सान सरवण करन वास्ते बड़ी ही तीबरता दे नाल जुड़े हुए गुरु की प्यारी साध संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी कृपा दे सदका आप जी ने जो भाई साहब जी दी मिठी रसना तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अमृत बचन श्रवण किते ने सो ये पावन शब्द केदारा राग दे विच भगत कबीर साहब जी दे पावन मुखार बिंद तो उच्चारण किया होया चौथा शब्द जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुकद्दस अंग 1123 दे उपर शोभनीक है तिस अमृत बचन दी विचार सांझ करन दे नाल नाल असी तीसरे घल्लू घरे दी गल भी करांगे क्योंकि ये दुखांत जिहड़ा कदे सानू भुल नहीं सकदा। किसी कवि ने बड़ा सोहना लिखिया है जद भी कोई गल्लां कहिंदा भुल जो तीत दियां फिर ना पुछो मन साडे ते की बीत दियां। अज आपां गुरु दे शब्द दे नाल नाल ये जो वापरिया होया जून 1984 दे विच सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे घल्लू घर है तिस दे पिछोकड़ नूं भी संखेप रूप दे विच जानण दा जतन करांगे। आओ सारी संगत सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी ओट आसरा ते असीस प्राप्त करदियां होया बड़े ही प्यार अदब सत्कार दे सहित उच्चारण करिए जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समुची मानवता दे उपर कृपा करदियां होया सर्ब सांझा उपदेश देंदियां होया उस मनुख दे बाबत गल कीती हुई है जिहड़ा मनुख अपने तन दे बल करके अपने धन दे बल कर करके जां अपनी राज सत्ता दे बल करके हंकार करदा है सुभाविक है साडे कोल थोड़ी जी ताकत आ जावे साडे कोल माड़ा मोटा कोई शुभ गुण आ जावे ना फिर असी बड़े आकड़ आकड़ के चलदे हां हंकार दे ग्रसे होए फिर साडी तौर ही बदल जांदी है साडी चाल ही बदल जांदी है और साडे बोलां दे विच भी ओ मिठास नहीं रहिंदी। कहिंदे पर यह बंदिया तू कि गल का हंकार पिया करदा है जिवें शब्द दियां रहाओ वालियां पावन पंक्तियां जो सारे शब्द का मजबून ने केंद्रीय भाव ने जिन्हां नूं संगीत की दुनिया अंदर स्थाई वालियां पंक्तियां कहा जाता है और तिन्हां दे राहीं कृपा की है चल तका तटेडे टेडे
ਟੇਢੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪਿਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਵੇਂ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਮੀ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਵਰਜਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲਕਿ ਸਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਵੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਸੀਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਿੱਠ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖੜਾ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਚਮ ਹੈ, ਚਰਮ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸਟਾ ਗੰਦ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿਸਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਓਹੋ ਬਦਬੋ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੰਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਰਗੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਬਦਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂ, ਚਲਤ ਕਤ ਟੇਢੇ 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 ਅਸਤ ਚਰਮ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇਡੇ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਗੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦੀਮ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਦੇਹ ਮਲੀਣਿੰਗ ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਅਥ ਗਰਬੇਣ ਅਗਿਆਨ। ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਬਦਬੋਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਝ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਹੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਦਬੋਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ, ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦੀਮ ਕਾਲ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣਿਆ ਹੀ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ।
कई बार इस तरह होता है असी गुरु के कोल बैठ के भी गुरु की गल नूं समझ नहीं पा सकते, क्योंकि साहब श्री गुरु रामदास महाराज जी के ग्रह विखे ही बाबा पृथ्वी चंद जी ने जन्म लिया सी बीबी भानू जी की कुख तो। और नाना गुरु गुरु अमरदास महाराज जी के प्यार नूं भी माणिया सी, परंतु मन के अंदर हंकार सी अपनी सियाणप दा, अपने चातर होण दा। तो उसने अपने छोटे भ्राता पंजवें पातशाह साहब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की बहुत मुखालफत की सी, बहुत मुखालफत की सी, थोड़ी नहीं क्योंकि असी घल्लूघारा दिवस मना रहे, मैं थोड़ा जिहा इत्थों ही शुरू कर लवां। क्योंकि सब तो पहला पृथ्वी चंद ने ही सुलही खान श्री हरिमंदर साहब के उपर अटैक करने वास्ते बुलाया सी, भावें कि यह सुलही खान पृथ्वी चंद का भट्ठा वेखण गया आवे की अग विच डिग के समेत घोड़े मर गया। सुलही ते नारायण राग, सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ न पाक, असी गुरबाणी अंदर भी पढ़ते हैं। और इसे ही सुलही खान का भतीजा सी सुलभी खान, जिहड़ा अपने चाचे की मौत का बदला लैण वास्ते और श्री हरिमंदर साहब ते गुरु अर्जुन देव महाराज जी ते अटैक करने वास्ते आउंदा है, परंतु रस्ते विच ही अपने नौकर दे हत्थों मारिया जाता है। राजा अकबर भी कहिंदा सी कि मैं जिस वहीर ते जा रहा हाँ उधरों आण के गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं नस्तो नबूद कर देवांगा, परंतु मेरे मालक की वडियाई सी ये बीरबल जिहड़ा सी वापस मुड़िया ही नहीं, जिहदा पूरा नाम सी महेश दास भट्ट, इहदा पूरा नाम सी महेश दास भट्ट, जिहनूं असीं बीरबल कहिंदे आ। उहदियां गल्लां सुन सुन के असीं बड़े प्रसन्न हुंदे आ, परंतु यह नीच बिरती वाला सी और गुरु घर की मुखालफत करदा सी। यह बीरबल भी खत्म हो गया क्योंकि ताकत का घमंड सी, राज सत्ता का घमंड सी। इस तरह यह हर मनसूबियां दे विच फेल हुंदे रहे, ते शायद गुरु अर्जुन देव महाराज जी की शहीदी के बहुत सारे कारण ने। सब तो वड्डा मेन कारण यह भी है कि जिन्होंने कदे दुरकारिया छुटकारिया फिटकारिया होया सी, जिन्होंने लोग कहिंदे सी कि यह शूद्र लोग ने, उन्होंने विचों उठे हुए सुचे मोती जिहड़े सन उन्होंने अमृत बचना भगत साहिबान की रचना इस धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर संपादित करके उन्होंने मान सन्मान दे के नवाजिया सी। यह भी गल जिहड़ी सी उस वेले दी हुकूमत नूं शोभ देनी सी, जां जिहड़े कोई गैर सिख सन सिख विरोधी सन उन्होंने चंगी नहीं सी लगती। सो इस तरह जिहड़े गुरु घर दे नाल जिहड़ा सी धन करके कोई कोई बल करके कोई राज सत्ता करके घमंड दे विच सी, उन्होंने हमेशा ही गुरु घर दे नाल ईरखा ही कीती है। मैं इंज कह देवां कि जदों तो मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, टैक तो उदों ही होने शुरू हो गए सी जदों गुरु नानक दे महाराज जी व्याहुण गए सी, ते उन्होंने कहा सी असी अगणी बेदी दे नाल लावां नहीं लैणियां, ते कुछ शरारती पंडतां ने बीबियां दे कोलों मखौल दे नाल ही कंध डवाउण दा भी यतन कीता सी कि आपां इन्हां दा काम ही खत्म कर दिंदे आ, जदों कि मेरे पहले पातशाह ने वचन किए सी माता जी ये कंध डिगण वाली नहीं सतयुग तक रहन वाली, ते अज भी बटाले की धरती ते गुरद्वारा कंध साहिब सुशोभित है। सो अपन शब्द दे विच रहिंदियां होइयां विचार भी करनी है घल्लूघारे दी भी शब्द दी भी। और बंदा जिहड़ा वह हंकारी हो गया, मुखलिस खां ने भी बेनती नहीं सी कीती कि जे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने मेरा बाज पकड़ लिया है सुखराब पकड़ लिया है ते मैं उन्हां कोल बेनती करके लै लवां, बल्कि अपनी ताकत का घमंड सी अपनी हुकूमत का घमंड सी गुरु घर ते चढ़ के आया, ते चढ़ के भी उन्हां दिनां विच आया जिद्दण मेरे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की सपुत्री बीबी वीरो जी का विआह रख्या होया सी। और ये मुखलिस खान जिहड़ा सी मुखलिस खान चढ़ के आया, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी के हत्थों जिहड़ा सी ते मौत की घाट उतारिया गया। उन्हां दिनां विच बीबी वीरो जी का आनंद कार जिहड़ा सी चबाल परगणे दे विच भाई लंगाह जी की निगरानी हेठ जिहड़ा सी होया सी, और बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्हां ने अरदास कीती और भाई साहब भाई गुरदास जी ने लावां दा पाठ कीता सी। खैर ये पहली लड़ाई सी जदों हरिमंदर साहब के उपर चढ़ाई करके मुखलिस खां आउंदा है पर हार के जाता है। इस तों बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी जगत जलंधर नूं ठारन दे वास्ते कीरतपुर नूं चले गए,
और इस धर्म स्थान के उपर पुजारी वर्ग जिहड़ा सी उह काबज हो गया, मीणे जिहड़े सी उह काबज हो गए। इत्थों तक हो गया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी जिस वेले श्री अमृतसर के दर्शन करन वास्ते पहुंचे सी तो उस वेले ऐसे लोगों ने बूहे बंद कर ले सी ते मेरे सतगुरु बाहर बैठे सी जिथे अजकल गुरद्वारा थड़ा साहब सुशोभित है। सो इस तरह 1675 विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत तो बाद जिस वेले उन्होंने मुबारक सीस नूं लेके भाई जेता जी आनंदपुर साहब जाते हैं तो कलगीधर पातशाह जी असीस भी देंदे ने रंगरेटा गुरु का बेटा ते नाल कहिंदे वी इह सिखा तेरे मन की मनशा की है ते मंग की सी श्री अमृतसर के दर्शन इशनान। अज भी यह शब्द असी अरदास विच पढ़दे हां। कलगीधर पातशाह जी की असीस प्राप्त करके जिस वेले भाई जैता जी श्री अमृतसर जाते हैं तो पुजारी डरते हुए छड़ के बूहे बंद करके भज गए सी। सो यह पुजारी वर्ग जिहड़ा सी इहदा बोल बाला रहा। इस तों बाद दे विच जदों असी गल कर लीए बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत तों बाद, क्योंकि उन्हां समयां दे विच समा बड़ा बिखड़ा सी, गुरु के सिख जिहड़े सन उह जंगलां बेलियां दे विच रहिंदे सी, हर जगह दे उपर पत्ता पत्ता उन्हां दा वैरी बणिया होया सी। उस वेले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे महल माता सुंदर कौर जी की आग्ञा पा के भाई साहब भाई मणि सिंह जी ने इतों के श्री हरिमंदर साहब और श्री अकाल तख्त साहब जी की सेवा संभाल की और मन के शहरता सी खिच सी कि संगतां की कतरता की जाए। हुकूमत दे कोलों इजाजत भी ली कि सिखां नूं दिवाली का दिन मना लैण दिता जाए, परंतु हुकूमत का मनसूबा ही कुछ होर सी। माणी टेढ़ा सी कि जे सिख होणगे इस दिन असीं उन्हां ते अटैक कर देवांगे। भाई मणि सिंह जी नूं पता चल गया और सिखां दा बहुत सारा नुकसान होण तों बचा लिया, परंतु भाई मणि सिंह जी नूं हुकूमत ने बंद बंद कट के शहीद कर दिता। इस तों बाद जिवें जिवें असीं पढ़दे जाने इतिहास नूं, चाहे वह चढ़ के आउंदा होवे मीर मन्नू जिन्हें अत तसीहे दिते सी सिखां नूं, सिख बीबियां नूं उन्हां दे बच्चे जिहड़े सी टुकड़े टुकड़े करके गलां च हार पा दिते सी, बच्चे नेजियां नाल टंग दिते सी, इन्हें भी श्री हरिमंदर साहब जी दे उपर अटैक किया। इस ही तरह भावें वह तमूर चढ़ के आउंदा है, जहान खां चढ़ के आउंदा है, जां अबदाली चढ़ के आउंदा है, एक बार नहीं कई बार सचखंड श्री हरिमंदर साहब और पावन सरोवर नूं नस्तो नबूध करन वास्ते पूरन दे वास्ते जतन किए गए, परंतु हर बार अटैक तो बाद गुरु के सिखां ने श्री हरिमंदर साहब जी की श्री अकाल तख्त साहब जी की उसारी करवाई और पावन सरोवर की सफाई करा के इसकी सेवा नूं बरकरार रखिया। सो खैर जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद, क्योंकि जो हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में आया है तो सब तो बाद विच पंजाब स्टेट जिहड़ी सी इह अंग्रेजों के हाथ में आउंदी है 1849 दे विच, उन्होंने एक यतन किया कि क्यों ना होवे असी अपने जिहड़े ने बंदे वह धर्म स्थाना ते बिठा दिए, क्योंकि सिख जिहड़े सन जिवें उह अपने रुझेवियां विच भी रुझे हुए सन, वैसे भी बोलबाला सी, और उन्होंने अपने गुरद्वारा साहिबान के उपर जिहड़े चापलूसी करन वाले महंत सी उह बिठा दिते, जिवें नरैणू महंत हो गया, उन्होंने कोलों सिखां ने गुरद्वारे आजाद करवाए, सरदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली वर्गे गुरसिखां ने शहादतां दे जाम पीते। फिर इस तों बाद जदों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई, श्रोमणी अकाली दल बन गया, खैर 1947 दे विच देश दी वंड हो गई। जदों 1947 विच देश दी वंड होई तो पंडित जवाहर लाल नहरू जी वर्गियां वल्लों इह गल कही गई सी कि इह देश जिहड़ा है समझो सिखां दा ही है, जदों भी कहणगे इन्हां नूं इन्हां दा राज भाग दे दित्ता जाएगा, परंतु सिख जिहड़े सी उन्हां दीआं मिठियां सिपड़ियां गल्लां दे विच आ गए। सो 15 अगस्त 1947 नूं देश आजाद होया ते 56 दिन बाद मदन मोहन मालविया वर्गे भीड़ी सोच वाले लोगों ने सिखां नूं जराइम पेशा कौम का खिताब दे दिता। अजे 56 कि दिन ही होए सी जिस कौम ने देश नूं आजाद करवाउण वास्ते 85% तों वध कुर्बानियां दित्तियां होण, उन्हां दे नाल ही अधूरा मापदंड हो गया, बेइनसाफी हो गई। हुण हुकूमत दे वल्लों एक नवीं चाल चली गई कि साढ़े कोल राज सत्ता है, क्योंकि आकड़ है ना, हंकार है, बल भी इह कोल हुकूमत दा,
उन्होंने जतन किया कि असी जिहड़ी पंजाबी मां बोली इहनू खत्म कर दईए किसे ढंग नाल। अज भी यह चालां चलियां जा रही, बड़े सानू सुचेत होने की लोड़ है। मैं कई बार कहना अपने बच्चों नू अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, फारसी पढ़ाओ, कोई भी भाषा पढ़ाओ, पर कित यह ना हो तुहाडे बच्चे पंजाबी बोलनी भुल जाण, पंजाबी लिखनी भुल जाण। अजकल यह बड़ा वड्डा रोज है। अजकल ही असी दिल्ली की गल ही ना करिए, बाहरली स्टेटा की गल ही ना करिए, जिहड़ी गुरु वरसोई नगरी श्री अमृतसर की धरती है ना, अज उतों के रहने वाले बछिंदे जिहड़े ने सिख परिवार, वह भी बड़ी पंजाबी नूं छड्ड के हिंदी बोलन जां इंग्लिश बोलन नूं तरजीह देंदे ने। यह कोई बहुती चंगी गल नहीं। हर भाषा सीखनी चाहीदी है, पर अपनी मां बोली नूं कदे विसारना नहीं चाहीदा। जदों इस तरह के जतनां बारे पता चलिया तो मास्टर तारा सिंह जी जो प्रधान सन उस वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ना सारे दे वल्लों एक विचार की गई श्रोमणी अकाली दल दे कि आपां की करना चाहिए। सारे गुरसिखां ने विचार की कि असी होवे ना तो जो पंजाबी राज है असी उन्हों प्राप्त कर लिए और ये कह लिए कि पंजाबी भाषा जिहड़ी उन्हों राज भाषा का दर्जा दिता जाए और सिखां नू एक वक्खरी कौम मान लिया जाए। ये जदों बेनतियां कीतियां गईयां तो पंडित जवाहर लाल नहरू ने एक कमीशन बनाया सी 1950 और उन्होंने इस मूलों रद्द कर दिता कि ये फिरकू भावना जी झलकती है। जोड़े गुरु के सिख से उन्होंने की किया कि 4 जुलाई 1955 श्री अमृतसर की धरती तो पंजाबी सूबे की मंग रख दी। इन दिनों ही हुकूमत ने अटैक कर दिता जिद 200 तो वे शहीद होए और जोड़े 12,000 गिरफ्तार होए उन्होंने 427 जड़िया सी वह बीबिया सी। जो असी अपने इतिहास के पिछोकड़ पढ़ते हैं सो 1964 तक पंडित जवाहर लाल नहरू ने सिखा की कोई भी मंग जी सी ना मंगी। फिर उन्होंने तो बाद 1966 के सपुत्री जो इस देश की एक राजा वजो उभर के प्रधानमंत्री आए उन्होंने ये मंग नूं कबूलिया तो जरूर 66 दे विच पंजाबी सूबे की गल भी की। पर सरकारां दी एक पॉलिसी सी, मैं कल भी बेनती कर रहा सी क्योंकि जिहड़ा संत शब्द बंदे दे नाम नाल लगदा है ना अजकल, यह शब्द अंग्रेज राज तो पहला किसी के नाम नाल नहीं सी लगदा। तुसीं इतिहास पढ़ के देख लो। इन्होंने फिर उस वेले एक चाल चली, एक अकाली दल बन गया अकाली दल मास्टर, एक बन गया अकाली दल संत। यह संत फतेह सिंह सी, हुण अकाली दल दो हो गए जिवें अज भी 4-5 बने हुए ने। यह कोई चंगी गल नहीं सी, दो अकाली दल बन गए, दोवां दी आपस दे विच खटास पैदा कर दित्ती। खटास इहो जी पैदा कर दित्ती जदों जिहदी मरन वरतां दीआं गल्लां करन लग पए। हकूमत बड़ी छतर दिमाग सी और उस वेले दे प्रधानमंत्री ने सिखां नूं पंजाबी सूबा ते दित्ता, परंतु जो चंडीगढ़ सी इह हरियाणे नूं दे दित्ता, जदों कि बनदा है पंजाब की राजधानी वास्ते सी। सिखां ने जदोजहद जारी रखी। 1960 दे विच जो कमीशन बनिया सी उहदे मुताबक यह जिहड़ा सी चंडीगढ़ जिहड़ा सी उह पंजाब नूं दे तां दित्ता, परंतु फाजिलका बोर जिहड़े सी हरियाणे नाल जोड़ दित्ते। इत्थों एक खटास जिहड़ी सी अगे अगे वधदी गई और सिख जदोजहद विच लगे रहे, कुछ नहीं सी मंगदे, पंजाबी मां बोली की गल करदे सी। केवल सिख एक वक्री कौम है, यह प्रवान किया जाए कोई मंग नहीं सी। इहनू वख वख लोगों ने कई नाम दे दिते, फिरकू रंगत विच रंगी हुई सोच ने। सो गुरमुखो समां चलता गया 1965 की जंग, 1971 की जंग, उस तो बाद 1978 दे विच एक होर नवीं नीति चली गई जदों निरंकारी मंडल के गुरबचन सिंह नूं जिहड़ा सी उह श्री अमृतसर दे विच जिहड़ा सी समागम करन दी इजाजत दित्ती गई। जदों कि श्री अकाल तख्त साहिब जी तो होए आदेश दे मुताबक 1973 दे विच इह समागमां ते रोक लाउण लई हुकूमत नूं पत्र लिखिया होया सी। बस फिर होया कि 1978 दी विसाखी वाले दिन तो, क्योंकि गुरबचन सिंह यह कहिंदा सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 5 प्यारे बनाए ने, मैं 7 सितारे बनावांगा। वह गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथाए सत्कारत शब्द नहीं सी वरता। तो गुरु का सिख अपना निरादर तो बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने गुरु का निरादर कदे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो इस समय दे विच 13 गुरु के सिख सी, सरदार फौजा सिंह जी आदि जिहड़े शहीद होए सी। सो 1980 दे विच ये गुरबचन सिंह मारिया गया।
और यही नाल जोड़िया गया कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जिहड़े ने उन्हां ने यह कारा करवाया होवे। एक दूषण सी, एक दोष सी। और इस तरह 1781 दे विच लाला जगत नारायण जी मारे गए, यह भी दोष। परंतु हैरानगी वाली गल, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे उपर अज तक एक भी FIR दर्ज नहीं है, एक भी परचा दर्ज नहीं है। केवल एक बहाना घड़िया जा रहा है कि असी यह प्रचार दी है कि फिरकू भावना फैलाई जा रही है, देश की जिहड़ी खंडता है उन्हूं खतरा है, कितने टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, दी खंडता नूं बनाई रखना जिहड़ा वह जरूरी है। सो गुरमुखो ये गतिविधियां जिहड़ियां सी उह चलदियां गईं। सरकारां ने एक लंगड़ियां चालां चलनियां शुरू कीतियां, जिवें एजेंसियां करदियां ने काम किसी ने होर कर जाना, करा किसी होर तो देना। 1947 भी होया सी, कुछ शरारती लोगों ने सिखां दे बुरके पा के जां मुसलमानां दे बुरके पा के एक दूसरे नूं मारन मकाउण दा मनसूबा बनाया, उन्हां दी इज्जतां नाल खिलवाड़ करन दी साजिश भी रची सी। बस इसे ही तरह हो गया। और हुकूमत नहीं सी चाहुंदी कि जिहड़ी सिख सत्ता है वह सामने आ जाए, क्योंकि उस तों बाद दे विच संत लौंगोवाल जी आ गए, सरदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा साहब आ गए, इसे ही तरह संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले। असी इन सारियां नूं बना के ना सिखां दी एक चढ़त सी, भावें आपसी कुछ मतभेद सी पर मन दे अंदर एक निशाना सी, असी सारे गुरु के सिखां इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार दे धारनी आ। सानू श्री अकाल तख्त साहब जी दे झंडे हेठ इकट्ठे होना चाहीदा है और गुरमत दे प्रचार ते प्रसार वास्ते वध तों वध योगदान करना चाहीदा है। हुकूमत नूं इह गल चंगी ना लगी, बड़ा कूड़ प्रचार किया गया, लो जी पंजाब दे विच जिहड़े हिंदू ने इन्हां नूं मारिया जा रहा है, संत जरनैल सिंह आ कह रहा है, वह कह रहा है, इहो जिहड़ा झूठियां सच्चियां अफवाहां फैला के ना सिखां ते हिंदुआं दे मन दे अंदर नफरत भरी गई। भावें असीं उदों बहुती ज़्यादा सुरत नहीं सी संभाली जदों इन्हां ने शरारती लोगों ने श्री हरिमंदर साहिब दीआं परिक्रमा विच कदी तंबाकू सुट देना ते कदी श्री अमृतसर दे विच शिवाला मंदिर जो हिंदू भाईचारे का प्रसिद्ध मंदिर है उस मंदिर के उपर गावां दे सिर लटका देने। ये जिहड़ियां एजेंसियां सी जिहड़ियां सिख विरोधी ताकतां सी जिहड़े सिखां ते हिंदुआं नूं लड़ाउणियां चाहुंदियां सी, उन्हां दीआं ये चालां सी, क्योंकि इन्हां दा आपस विच जिहड़ा खिचाओ है वधदा जावे। गुरमुख समां आ गया, हकूमत ने पहला ही यह जतन कर लिया, क्योंकि जे संत जरनैल सिंह जी नूं गिरफ्तार करना हुंदा वह किन्ना चिर गुरु रामदास जी के लंगर उपर सन, किन्ना चिर गुरु नानक निवास दे विच रहे, पर मनसूबा तो यह सी कि असी श्री अकाल तख्त साहब जी के उपर अटैक करना है। उस तो पहला उत्तराखंड के जिहड़ा सी उह कई प्रकार दीआं जिहड़ीआं सी हदायतां दित्तीआं गईआं, कई प्रकार की सिखलाई दित्ती गई, और समां आ गया जिस दिन श्री दरबार साहब के इर्द गिर्द जिहड़ा सी उह घेरा पै गया 30 मई 1984 नूं। 1 जून 12:30 बजे तो यह शुरू किया कि अंदर देखिए सिखां दे कोल किन्ने हथियार ने, परंतु मैं बेनती करा दिन चुनिया किहड़ा गया, गुरु अर्जुन देव महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा सी 3 जून नूं, ते हुकूमत नूं पता सी कि गुरु के सिख जिहड़े ने इस दिन एकत्र हुंदे ने, तो होवे ना इस दिन जो सारे सिख इकट्ठे हो जाए, श्रद्धालु इकट्ठे हो जाए, उस दिन इन्हों के उपर एकदम तोपा टैंकों के नाल अटैक कर दिता जाए, इन्हों नस्तों बोध कर दिता जाए। एक बड़ी डूंगी साजिश सी। सो कदे कदे करफ्यू के ढिल दे देनी, जो ढिल देनी कुछ बाहर आना कुछ अंदर जाना, ये हालात जोड़े से कोई एडे बहुते चंगे नहीं सी। 2 तरीक नूं भी गोलाबारी, 3 नूं भी, 4 नूं ते फिर जो शुरू हुई 4, 5 ते 6 तक, उस गोलाबारी दे विच तरह तरह दीआं तोपां टैंकां नूं वरत्या गया। जदों तुसीं KS बराड़ जिहड़ा इहदा मुखी सी, जिहदी जिम्मेवारी बनती सी, उहदी लिखी किताब नूं पढ़ोगे ना, भावें उहने थोड़ा जिहा लिखी ते गलत भावना दे नाल, पर उहदी लिखत दे विच किते किते सच्चाई जिहड़ी उह डलकां मारदी, उहदे विच दसदा है असीं किहड़े किहड़े टैंक वरते, किहड़े किहड़े गोले वरते, भावें वह बिल्कुल इंसाफ तो नहीं करता। और वह जो असं पढ़ते उसदे विचों भी सानूं समझ मिलती है, मैनूं बड़ी चंगी तरह याद है, क्योंकि मैं उदों 9वीं क्लास के पढ़ता सी, मेरा पिंड जिहड़ा सी श्री अमृतसर तो 20 किलोमीटर की विथते पै जाता है, जो असं सीधे रस्ते चलीए वैसे 30 किलोमीटर की विथते है। साढ़े पिंडां तक गर्मिया के दिन से असी कोठे ते सौंदे हुंदे सी, जिहड़े ग्रनेड सुट्टे जांदे सी, जिहड़े गोले चलदे सी, उहनां दी आवाज़ जिहड़ी सी साढ़े पिंडां तक आउंदी सी। और जिस दिन
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र नूं संबोधन होया ते उदण ही उन्होंने अपनियां गल्लां गल्लां दे विच संकेत दे दित्ता सी कि हुण 16 सफाई दी हद तों गल जिहड़ी है उह टप चुकी है। श्री अमृतसर दे इर्द गिर्द घेरा पाया गया। 3 तरीक नूं जिहड़ा सी सारियां सेवावां बंद कीतियां गईयां, बसां गड्डियां हवाई जां नैट रेडियो टीवी इह सब कुछ बंद कीता गया, किसी नूं बाहर खबर ना मिले। जिवें अजकल शिलांग दे विच हो रहा है, मेघालिया दे विच पिछले दिनी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब अपने साथियों नाल लिख के भी उस तां तों आए, शायद कल ही उतों वापस आए ने। सो इस तरह का एक यतन किया गया कि इतों की खबर जी बाहर ना जाए। जिन्हें पत्रकार से वह भी सारे बाहर कढ दिते गए। ये जिहड़ा हमला सी इहदे विच बहुत सारा सिखां दा नुकसान होया, पर दुख की गल यह गुरमुखो ये सारे हिंदू माड़े नहीं होंगे। मैं कई बार कहना हूं गंढियां दे विचों गंढेर फुट पैंदी है, परंतु सारी क्यारी नूं असी माड़ा नहीं कह सकते। एक चंदू माड़ा हो सकता है, गंगू माड़ा हो सकता है, सारे खत्री माड़े नहीं हो सकते, सारे ब्राह्मण माड़े नहीं हो सकते। जिहड़े बेचारे बेसमझ हिंदू सी, जिहड़े लोगों दीयां गल्लां विच आ गए, मैं बेसमझ कहांगा क्योंकि सियाणे ते अज भी देखिए तो बहुत सारा हिंदू भाईचारा हर वर्ण के नाल संबंधित जिहड़े सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होंदे ने, नमस्कार करदे ने, उन्होंने की किया कि सड़कों के उपर लिख दिता वेलकम टू इंडिया आर्मी, और कुछ लड्डू पकौड़े भी खवाए गए। केएस बराड़ ने अपनी पुस्तक के थोड़ा जा जिक्र भी किया है कि असी कुछ जो साढ़े अफसर से उन्होंने राही वरजिया कि सानू प्रौहणेचारी की लोड़ नहीं है, क्योंकि बेसमझ से उन्होंने पता नहीं सी कि श्री हरिमंदर साहब जिहड़ा है यह सर्ब सांझा अस्थान है, ये असल दे विच रब दा घर है। साडी इहदे नाल की ईरखा है, साडा इहदे नाल की वैर है, साडा किसी बंदे नाल वैर हो सकदा, इन्हां नाल की है। भावें कि हुकूमत ने तोपां टैंकां दे नाल अटैक किया, परंतु अंदरों जुझारू योधे जिहड़े सन उह भावें गिणती विच बहुत सारे घट सन, पर संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले और उन्हां दे नाल सन सरदार शुभेग सिंह जी, भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी तथा अजिहे गुरु के सिख सन जिन्हां ने गुरु के अदब सत्कार नूं मुख रखदिया होया शहादत दे जाम पी लिया। सो इस घटना दे विच चाहे असीं वाइट पेपर पढ़ लिए, कोई भी पढ़ लिए, बेइनसाफी करदे ने। मैं कल ही एक सुन रहा सी नगर निगम के उस वेले के सुपरवाइजर सन श्री केवल जी, उन्होंने इंटरव्यू हो रही है, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी यह कि तुम लाशा चुक चुक के जड़िया बाद जड़िया भेजनिया पोस्टमार्टम के वास्ते मैडिकल कॉलेज। वो कहें जो असी जाके देखिया तो अंदर लाशा ही लाशा सी। पूछया गया है एंकर दे वलों किनिया कहिंदे जी हजारां दे विच ही। हुण देखो हुकूमत कदी भी सच जिहड़ा वह बयान नहीं करती, जिन्हां ने अखी डिठा है उन्हां नूं वध पता है, क्योंकि असी सुनिया असी पढ़िया असी देखिया नहीं। ठीक है कि जदों श्री हरिमंदर साहब जी के दर्शनों के वास्ते ये बूहे खोले गए सी तकरीबन 21 जून के लागे बन्ने, तो 24-25 जून में साढ़े पिंड का एक लीडर सी उहदे नाल असी जो दर्शन करन वास्ते श्री हरिमंदर साहब गए, उस वेले देखिया की सी भावें कि उन्हां दिनां दे विच 15-20 दिनों तो वध दिन हो गए सी, परंतु हाले तक जिहड़ी बदबू भी आ रही सी और नाल दी नाल खून दे छिट्टे जिहड़े सी उह लगे हुए सी। भावें सानू इंज कह लईए उस वेले उम्र दे जे लिहाज दे नाल बेसमझ कह सकदे हां, पर सच्ची गल सी ये वेख वेख के सुन सुन के सानू रोना आउंदा सी। सानू पता है वह समा असी किवें कढ़िया होगा। मैनू कई बार कह दिंदे भाई साहब जी तुसीं कई बार जज्बाती हो जांदे हो, गुरमुखो असी इस संताप नूं हंडाया है, जिन्हें संताप नूं हंडाया होवे फिर उही कह सकदा ना जद भी कोई गल्लां कहिंदा भुल जो अतीत दियां, फिर ना पुछो मन साढ़े ते की बीत दियां। तुसीं ते सुणिया ही ते तुसीं सुण के रोण लग पैंदे हो, लोक कंडे खड़े हो जांदे ने। उस वेले दे हालात इहो जे सी, पर धन सी गुरु के सिख जिहड़े नगरां दे विच लोक सी उह कईआं कुहाड़ियां चुक के तुर पए सी, कृपाना चुक के तुर पए सी हुकूमत नाल टाकरा लैण वास्ते। ये गुरु का सिख जिहड़ा मैं फिर बेनती करा वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर गुरु का निरादर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सतगुरु जी कहिंदे बंदिया हंकार कड़ी गल दा, रहना ते तू टिकिया है नहीं है, चलत कत टेढ़े 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 अस्त चरम बिस्ता के मुंदे दुर्गंध ही के बेढ़े रहाओ। और शब्द दियां आरंभ वालियां पंक्तियां ने काम क्रोध तृष्णा के लीने, ए बंदिया तू काम क्रोध ते तृष्णा दे विच
लीन होया पिया है, बुरी तरह तू लिबड़िया होया पिया है, तेरी सुरत इन्हां गल्लां विच लगी हुई है। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक है जानी, तू एक ओंकार की अवस्था नूं जाणिया ही नहीं है, तू उसके प्रेम आनंद नूं प्राप्त किवें करना इस जुगत नूं जाणिया ही नहीं है, तू समझिया ही नहीं है, तू अपने आप नूं रब नालों वड्डा समझण लग पिया कि मैं ही वड्डा है। क्योंकि मनुख की भी गल असी करिए ना, आपस पाओ धीरक कर जाने औरण को लग मात, अपने आप नूं वड्डा करके जाणदा दूजिआं नूं तां लगा मात्र ही समझदा है। तू तो रब की गल नूं भी नहीं समझिया, तू तो रब की अवस्था नूं भी नहीं समझिया कि तैनूं किवें आनंद दे सकदा है, उन्हें तेरे ते किन्ने उपकार कीते हुए ने, पर तू काम करो तृष्णा वर्गे विकारां दे विच लीन हो के रह गए हो। किवें? क्योंकि फूटी आखे कछु ना सूझै, तेरियां अखां फुट गईआं, ना तेरे कोल बैराग रहा ते ना तेरे कोल ही विवेक रहा। यह बैराग ते विवेक दियां अखां तेरियां फुट गईआं, तू आत्मक सूझ बूझ वाले पासे तो सखणा हो गया, तेरे मन दे अंदरों शरदा दूर हो गई। फूटी आखें कछु ना सूझे, बूड मुए बिन पाणी, तेरी हालत इस तरह की होगी जिवें बिना कोई पानी दे डुब मरदा है। असीं आम कहिंदे आ ना कि चप्पणी विच नक डोब के मरना, साडी ये अखौत भी है, मुहावरा भी है। एक किसी नूं जे असी थोड़ा जिहा डांटना हो इहदे लई भी इह शब्द वरतदे आ, कहिंदे तू तो इन्ना डुब गया, तू तो इन्ना मर गया जिवें बिना कोई पानी दे डुब जावे, तेरी हालत इस तरह की बन गई। क्योंकि पानी विच तां डुब ही सकदा है, पर तू पानी तो बिना डुब गया, विकारां विच डुब गया है। चलत कत टेढे टेढे, अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेडे रहाओ, राम ना जपहो कवण भरम भूले। ऐ बंदे तू परमेश्वर दे नाम नूं जपदा क्यों नहीं है? राम ना जपहो कवण भरम भूले, तू किहड़े भरम दे विच भुलिया होया है, भटकिया होया है। तुम ते काल ना दूरे, मौत तेरे तो दूर नहीं है, मौत तेरे कोल है। मैं फिर बेनती करा, अज तक जिन्हें भी सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब जी ते अटैक करवाया है, इतिहास नूं पढ़ के वेखो, उहदी मौत भी उस तरह ही होई है, सगों वह दुर्गति दे नाल ही मरिया है। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने एक यतन किया सी कि मैं श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर उप्पे भर के बरूद रख देव, श्री अकाल तख्त साहब जी के मैं उन्होंने नस्तो नबूद ही कर देव, काम ही खत्म कर देव, जिहड़े तमूर होनी नहीं कर सके, जहान खान ही कर सके। पर होया किसी वाहगुरु की कला इहोजी वरती कि जिस वेले श्री अकाल तख्त साहब जी ने नस्तो नबूद करन दी ठाणी बरूद चलाया, एक इट जिहड़ी सी उखड़ के सीधी उहदे नक दे उपर वजी, होर किसे दे नहीं वजी, उहदे नक ते वजी, और नक दा नसूर बन गया ते तड़फदा तड़फदा मारिया गया। वह जिउंदा ना रहा, चाहे असीं मस्से रंगड़ की गल कर लईए, कोई जिउंदा है? जिन्हें भी श्री हरिमंदर साहब जी के उपर हमला किया है, अटैक किया है, वह नस्तो नबूद हो गया और जगत दियां लाणता ही खटदा है, ये तो अलावा कुछ नहीं है। पर तू ये समझ लवे कि मौत दूर है, पर मैं इनू कई बार बेनती करिया करदा है, भावें कोई दिल्ली की राजधानी में बैठा हो, देश की राजधानी दिल्ली च बैठा हो, भावें चंडीगढ़ के सर्किट हाउस च बैठा हो, ते भावें गुमटाले वाली जेल जी अजकल फतेहपुर चली गई है, उत्थे भी बैठा हो, मौत उत्थे भी अपड़ जाती है। क्योंकि गल मेरी नहीं, मेरे गुरु की है, उन्होंने सानू समझाया है कि मनुख बड़े जतन करता है, बहु जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिसै, बिखम थान बसंतों ऊंचा नहीं सिमरत मरण कदंचे, होवंत आग्या भगवान पुरखे नानक कीटी सास अकरखते। इस गल नूं सतगुरु जी समझाउंदे ने, बंदा आखे ना मोची थां ते जाके बैठ जा, मेरे आले दुआले बड़ी गारद होवे, मौत ना आ सके, कहिंदे जे मालक दी आग्या जे ना हुक्म हो जाए तां निक्की जी कीड़ी भी जान लै लैंदी हो, चाहे असीं राजे परिषद की गल कर लईए, चाहे किसी की भी गल कर लईए। ये ना समझ के मौत दूर है, बल्कि तू बोल ही मौत दे खूह विच रहा है, अनक जतन कर यह तन रखो, तू अपने तन नूं बचाउण दे वास्ते कई प्रकार के जतन करदा है। मैं कई बार कहना हुन्ना, कदी पशुआं ने सुरक्षा गार्द नहीं रखी हुई, पंछियों के नाल सानूं जड सुरक्षा नहीं मिलेगी, फिर बंदे नूं जड सुरक्षा की लोड़ क्यों पै गई? क्योंकि पशु ते पंछी कोई गलत काम करते नहीं, वो धर्म के उल्ट करते ही नहीं कुछ, वह कादर कुदरत नाल एक सुर होकर चलते हैं। यह बंदा ही जो अपने आप को सियाणा समझ लग पैंदा है, इंसानियत दियां भी धज्जियां उड़ा के रख दिंदा है, धर्म तो भटक जाता है, फिर इन अपनी जान बचाउण दे वास्ते फिर सुरक्षा गार्ड की लोड़ पैंदी है। चंगी गल नहीं, जे असीं चंगे काम करिए सानूं लोड़ पवे ही ना।
ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਪੁੱਜੇ ਔਦ ਤਿਸੇ ਕੌਣ ਰੱਖਈ, ਬੈਦ ਕੇ ਅਨ ਕਿਉ ਪਾਵ ਕਹਾਂ ਲਓ ਭਾਖੀ। ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਲਈ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਫਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਇਹ ਤਨ ਰੱਖੋ ਰਹੇ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੇ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪਰਾਨੀ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਉੱਠੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੀਵ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰੰਗ ਛੇੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਦੋ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮੈਂ ਬਸਤੇ ਫੁਲਵਤ ਦੇ ਆਣੇ, ਬਲੂਆ ਬਲੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੇਤ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ,
पर यह घर किन्नी क देर रहेगा जदों रेत सुक गई किणका किणका बिखर जाना है। कहिंदे तेरा शरीर जिहड़ा ना यह भी एक रेत दे घर वर्गा ही है, यह सदा टिकिया रहन वाला नहीं है। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नहीं। क्योंकि जिहड़े साह तेनू आ रहे ने दिन ते पैर पैर ते घरियां आव घटे तन शीजा है, काल अहेरी फिरे बदक जो कहो कमन बिद कीजे। इहदे नाल तेरा शरीर जिहड़ा उह छिज रहा है, खीण हो रहा है और श्वास खत्म हो रहे ने, पर फिर भी तू बड़ा आकड़िया फिरदा है, बड़े हंकार विच है कि मैं टिकिया रहना है। बहुतात विच बंदे जिहड़े ने इहो जिहे भी ने साडे समाज के अंदर जिहड़े मंजे तो उठ नहीं सकदे, पर अपने आप को समझते हैं असी सब तो वड्डे बल वाले हैं, मेरा दिमाग ज़्यादा काम करते हैं। मैं तो हैरान हुन्ना है कि जो असी किसी राजसत्ता की भी गल कर लिए ना, उंज असी मुलाजमत वास्ते समा रखिया होया 58 साल तो बाद कोई जो मुलाजमत नहीं कर सकता जां 60 साल तो बाद, पर जिहड़े साडियां स्टेटां जां देशां दे मंत्री हुंदे ने ओह उहनां दीआं उधरों लत्तां मड़ियां च पईआं हुंदीआं, ओह कहिंदे असीं देश नूं चला लवांगे, असीं राजभाग नूं चला लवांगे। पर इह बंदिआ किहड़ी गल दा तूं आकड़ करदा है, इह तेरा शरीर सदा टिकिआ रहिण वाला नहीं है। इहदे अर्थ कुझ विद्वानां ने फुल वत वी कीते ने, पदछेद कीते ने शब्द कि फुल दी तरह तू पता नहीं अज खिड़िया है घड़ी हुणे घड़ी कोनूं कमला जाणा है, पर नहीं, इत्थे गुरमुखो फुल वत कट्ठा पाठ है और इहदा अर्थ है हंकार दे नाल फुल्लिया होया आकड़िया होया। बलुआ के घरुआ में बसते फुलवत दे अयाने, ऐ बेसमझ तू कादे वास्ते फुल्लिया फिरदा है। क्योंकि तू कहना है टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खाण, पाओ भगत स्यो काज न कछुऐ मेरो काम दीवान। तू टेढ़ी पग बनदा है बल्कि जा मोना है बिरा सिर ते हथ फेरदा है, फिर तू टेढ़ा होके चलदा है, तू फिर कई प्रकार दीआं चीज़ां खाना है बड़े मजे दे नाल विखा विखा के, जिवें पान बीड़े खाने। पठानी सत्ता दी असीं गल कर लईए, तू कहिंदा मेरा प्रेमा भगती नाल वास्ता ही कोई नहीं जी, साडा काम ते राजभाग करना है, क्योंकि भाओ भगत स्यो काज ना कछुए मेरो काम दीवान, मेरा काम ते हुकूमत करना है। पर याद रख यह तेरा शरीर सदा टिकिया रहण वाला नहीं है। बलुआ के घरुआ में बसते फुलवत दे अयाने, कहो कबीर जिहे राम ना चेत्यो बूढ़े बहुत सियाने। अखीरली पंक्ति विच भगत कबीर साहब जी कृपा करते ने, कहिंदे जिस व्यक्ति ने प्रभु प्यारे नू अपने चेते विच नहीं लिआंदा, जिन्हें सिमरिया नहीं, जिहड़ा रब नू याद नहीं करदा, इस समुची मानवता वास्ते उपदेश है। कहो कबीर जिहे राम ना चेत्यो बूढ़े बहुत सियाने, जिहड़े कहिंदे सी असीं बड़े सियाने, असीं उह वी डुबदे होए वेखे ने। जिवें असीं शब्द पढ़दे तित सरवरड़ाए पहिले निवासा, पाणी पावक तने किया पंकज मोह पगनी चाले, हम देखा तै डूबी अले। सतगुरां ने फिर सानूं समझाया भी है कि गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। असी अपनी सियाणप नूं छड के गुरु की मत जिहड़ी है उहनूं प्राप्त करके गुरु के आशे मुताबक चलदिआं होइआं इस मनुखी जीवन के लाहे नूं खटणा है और प्रेम सुख नूं माणदिआं होइआं गुरु की बख्शिश के पात्र बनना है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन, समुचे सिख पंथ का भला, समुची सिख कौम की चढ़ती कला बख्शन। और अज लोड़ है सानू सारियां नूं सुचेत होण दी, सानू सारियां नूं एकमुठ होण दी। पिछले दिनी श्री अकाल तख्त साहब जी तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बड़ा सांझा उद्यम किया गया है कि जिहड़ियां वख वख स्टेटां दे विच बच्चों पाठ पुस्तक पढ़ाईया जांदियां ने उन्हां दे विच कोई सिख इतिहास के नाल खिलवाड़ तां नहीं की गई होवे, उसनों वचना है और जो सही है उसनों सामने लियाना है, तो जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं भी सामने लियाना, बड़ा सोहना कदम सी। और दूसरा ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛੜਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। क्योंकि ज़्यादातर साड़ी सोच यो रही है श्रोमणी कमेटी होवे चाहे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, असी किन्ने चंगे काम कर लिए, एक काम की असी कोई नुकता चीनी करनी होवे राई का पहाड़ बना दें, नहीं गुरमुखो सगो सानू सलांघा करनी चाहिए, तो सहयोग करना चाहिए, यह कार्य होर भी वधिया हो जाए। अखीर दे विच दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का कुटान कोट धन्यवाद है जिन्होंने
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।